So remember, whether it was the state government or the government at the center, Prime Minister himself were overseeing all the rescue operations and were constantly communicating with the rescue workers as well. Chief Minister Pushkar Singh Dhami was at the site, personally decided to welcome each of the workers with garland, gave them a hug, and all of this after 17 days. Of course, the workers were astounded of all these people around them. Chief Minister Dhami also announced 1 lakh rupees compensation for all the workers. He also gave credit to Prime Minister Modi's leadership for providing all necessary requirements that were there or that was required at that point. Prime Minister Modi also appreciated the rescue workers for the successful evacuation of the workers and called it an emotional moment for everyone. Prime Minister Modi wished for their good health and said these rescue workers are an inspiration to everyone. He also added that everyone involved in this mission has set an example of humanity and teamwork. सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया. वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी. दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे. उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक, इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है. हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से एक एक लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है. एक एक लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे. मैंने पहले दिन जब आप लोगों से बात की थी मैंने एक ही चीज कही थी, हमारा एक ही लक्ष्य है इनको सेफ निकालना. उसको देखते हुए हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज की हमको जरूरत थी वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली. कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे होंगे. दूसरी चीज, सब चीजों के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है. जो लास्ट इंटरवेंशन था वो ज्वाइंट ऑपरेशन था एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का, मगर मैं कहूंगा कि ये अकेला सिर्फ एनडीआरएफ एसडीआरएफ का नहीं था, बहुत सारी एजेंसीज इसमें लगी हुई थी. पीएमओ, एमएचए, एस्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था, आर्मी थी, बीआरओ थे, आपके जो एनएचआईडीसीएल है उनकी वर्कर्स थे, कंटिन्यूसली एंगेज थे ऑगर मशीन को फिक्स करने में, और बेसिकली उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया हमारे जाने के लिए. तो ये एक बहुत बड़ा समन्वय था, एक बेहतरीन समन्वय था जिस कारण ये ऑपरेशन संभव हो पाया. भारत के इतिहास में बहुत ही अपना बड़ा ऑपरेशन ये था और हमारे जवानों ने पहले दिन से ही इसको विभिन्न सिचुएशनों को देखते हुए उसकी तैयारियाँ की थी और हमारे ऑफिसर्स उसके साथ में दिन रात अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और आखिरकार हमने उन अपने श्रमिक भाइयों के पास पहुंचकर उनको सकुशल निकाल कर हमने भारतवर्ष के लोगों को दिखा दिया कि एनडीआरएफ जो है कर्मठ फोर्स है और हमने उसी कार्य को ठीक प्रकार से किया.